वीडियो में हम डायफ्राम के मेजर ओपनिंग्स के वर्टिब्रल लेवल्स एंड उन ओपनिंग से पास होने वाले स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखना है इसके बारे में बात करेंगे. एज वी नो डायफ्राम में तीन मेजर ओपनिंग होती है. फर्स्ट इज द वीना कावल हिएटस और ओपनिंग, सेकेंड वन इज द इसोफेजियल ओपनिंग एंड लास्ट वन इज द aortic opening. नो वर्टिब्रल लेवल, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ऑल द मेजर ओपनिंग्स. तो यहां हमने वीना कावा राइट किया हुआ है, सेकेंड इसोफेगस फॉर इसोफेजियल ओपनिंग एंड लास्ट वन इज द aortic hiatus फॉर द aortic ओपनिंग. नाउ काउंट द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड्स. वीना कावा, यहां पर कितने लेटर्स हैं? एट लेटर्स. तो वर्टिब्रल लेवल क्या होगा? T8. इसोफेगस, ये कितने लेटर्स हैं? टोटल 10 लेटर्स. तो लेवल क्या होगा? T10. aortic hiatus, टोटल कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स. तो लेवल क्या होगा? T12. मेजर ओपनिंग के कंटेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वी सी द aortic hiatus. जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, aortic मीन्स पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? aorta. ए फॉर अजाइगस वेन. T12, ये जो T12 है ये डिनोट करता है अ वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम द टी एंड हैविंग द 12 लेटर्स. ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 12 लेटर है और टी से स्टार्ट हो रहा है? दैट इज द थोरेसिक डक्ट. नाउ वी ट्राई टू रिमेम्बर द कंटेंट्स ऑफ इसोफेगस. फर्स्ट जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है इसोफेगस, तो पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? इसोफेगस. नाउ T10, 10 जो है ये डिनोट कर रहा है 10th क्रेनियल नर्व को. तो 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व. इसोफेजियल ओपनिंग का थर्ड कंटेंट क्या होना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं इसोफेगस नीचे स्टमक में जाके कंटिन्यू हो जाता है. स्टमक के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्रिक. तो थर्ड कंटेंट क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स. यहां लेफ्ट क्यों है, राइट क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं स्टमक बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लाया करता है, इसलिए यहां हमने कौन सी वेसल्स ली है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स. नाउ वी ट्राई टू रिमेम्बर द कंटेंट्स ऑफ वीना कावा. जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, फर्स्ट कंटेंट क्या होना चाहिए? इन्फीरियर वीना कावा. सेकेंड कंटेंट याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? इन्फीरियर में हमने इस फर को लिया है. ये जो फर है FER, फर, इसका प्रोनाउंसिएशन इज वेरी सिमिलर टू द फ्रैनिक. फर से क्या बना हुआ है? फ्रैनिक. तो सेकेंड कंटेंट क्या है? फ्रैनिक नर्व. फ्रैनिक में आर लेटर आ रहा है, इसलिए कौन सी फ्रैनिक नर्व होगी? राइट फ्रैनिक नर्व.